हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ डेली की डेली पढ़ लिया करें। और ये वीडियो का लिंक भी मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जब कभी आपका दोबारा मन हो देखने का वहाँ से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको सुबह ही टाइम से वीडियो मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मूली की फसल उगाई है। क्वेश्चन नंबर पहला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मूली की फसल उगाई गई है और ये किसने किया है ऐसा कारनामा? ये करने वाला है नासा। नासा ने ये कारनामा किया है। तो देखो, ये अंतरिक्ष नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है कैट रुबिन्स। क्या नाम है इनका? ये महिला है कैट रुबिन्स, ने 30 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मूली की फसल उगाई है। ठीक है, अब देखो इसी फसल को क्यों उगाया गया है, क्योंकि उनको पता है वैज्ञानिकों को कि 27 दिनों के अंदर ये मूली की फसल उगाती है और हो जाती है, इसलिए इस मूली की फसल को उगाया है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है नासा ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसका नाम है हैबिटेट 2। नाम लिख लेना इसका सभी, हैबिटेट 2 इसका नाम लिख रखा है, हैबिटेट 2 इस मिशन का नाम रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो बात नासा की है, नासा ने इसको उगाया है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर इसके जो हेड हैं वो है जिन ब्रिंडेस्टाइन। जिन ब्रिंडेस्टाइन देखो ये महिला है जिन्होंने इस मूली की फसल को उगाया है। इनका नाम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इनका नाम है कैट रुबिन्स। क्या नाम है? कैट रुबिन्स हैं, ये अंतरिक्ष यात्री हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने मूली को फसल को उगाया है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने की के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने क्या बोला है कि जितनी भी जाति आधारित कॉलोनीज हैं, नाम जिनके जाति आधारित हैं, उन कॉलोनीज के नाम को बदल दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में दे दूं, भाई ये वाली कॉलोनी है, भाई इसको हम जाट कॉलोनी या इसको बोलेंगे ब्राह्मण कॉलोनी या इसको बोलेंगे मुस्लिम कॉलोनी, तो ऐसे करके कोई भी नाम है जो जाति सूचक कॉलोनी के नाम है उनको बदलने की सिफारिश किसने की है? महाराष्ट्र की सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। तो जाति आधारित जितनी भी हैं उनको बदल दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी क्या है? मुंबई है। सीएम कौन है यहाँ पर? उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर गवर्नर है। तो इस बात को आपको याद रख लेना है क्वेश्चन नंबर दो से, ये हैं उद्धव ठाकरे जिन्होंने ये ऐलान किया है और इसको बिल को पास करा लिया है। क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा है? द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखो सरकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए द्वारे सरकार, ये ऐसे करके भी लिख सकते हो आप इसको द्वारे, ठीक है, द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। और इसका आंसर है दोस्तों ए, पश्चिम बंगाल ने। द्वारे सरकार का मतलब है कि डोर टू डोर जो भी सरकारी योजनाएं हैं सरकार उनको डोर टू डोर पहुंचाएगी, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा है? द्वारे सरकार इसका नाम रखा है। तो ऐसे करके जो योजनाएं हैं सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, वो 11 योजनाएं हैं जिन्हें सरकार घर तक पहुंचाएगी और जिसका लाभ लोग ले सकेंगे। और ये कब तक चलेगी? 30 जनवरी तक चलने वाला ये प्रोग्राम। कब तक? 30 जनवरी तक ये प्रोग्राम अभी चलने वाला है। अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए किसे फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है?
तो देखो, ये 2020-21 के लिए फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है उदय शंकर को। किसको बनाया गया है? उदय शंकर को। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, फिक्की का अध्यक्ष उदय शंकर को बनाया गया है। अब देखो, फिक्की की बात करें तो फिक्की जो संस्था है दोस्तों, ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। जो भारत के व्यापारिक संगठन है उनका एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी स्थापना महात्मा गांधी के कहने से घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने की थी। पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने इसकी स्थापना की थी। तो दो इसके संस्थापक हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के कहने से ये की थी। अब देखो, इसके महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव कौन है प्रेजेंट में? उनका नाम है दिलीप शिनॉय। कौन है? दिलीप शिनॉय उनका नाम है। और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहता है फिक्की का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखोगे। देखो, ये है उदय शंकर जिनको अध्यक्ष बनाया गया है 2020-21 के लिए फिक्की का। तो इसके क्या होते हैं सारे मैंने फॉर्मेट बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने HDFC बैंक को नए क्रेडिट कार्ड बेचने से रोकने का निर्देश दिया है? तो देखोगे, नए क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकती है अब HDFC बैंक। कब तक के लिए? जब तक कि ये निर्देश आगे पारित नहीं हो जाता है। और ये किसने बोला है? RBI ने बोला है। RBI ने नए क्रेडिट कार्ड बेचने पर रोक लगा दी है HDFC के। तो HDFC की बात करें सबसे पहले दोस्तों, HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं HDFC के, उनका नाम है हसमुख भाई पारेख। क्या नाम है? हसमुख भाई पारेख इनका नाम है। और इस टाइम पर इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्यामला गोपीनाथ। कौन है? श्यामला गोपीनाथ। जबकि HDFC के इस टाइम पर CEO है शशिधरन जगदीशन। कौन है? शशिधरन जगदीशन। और HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। इसी तरीके से RBI की बात करें दोस्तों, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सबसे पहले हेड इसके कौन बने थे? ओब्सरॉन स्मिथ बने थे। सबसे पहले गवर्नर इसके कौन बने थे? ओब्सरॉन स्मिथ बने थे। जबकि सबसे पहले भारतीय गवर्नर इसके CD देशमुख बने थे। RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। और RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। और प्रेजेंट में RBI के जो गवर्नर है दोस्तों, उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। इतनी बात इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। देखोगे, यह है HDFC बैंक जिसका टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये भी याद रखा करो, इसलिए मैं पूरा लगा देता हूं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ऐसे पूछ लेता है, बताइए कौन सी बैंक की टैगलाइन है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने निदेशालय के 63वें स्थापना दिवस का शुभारंभ किसने किया है? तो देखो, राजस्व खुफिया निदेशालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसका शुभारंभ किया था हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर है ए, निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखोगे, 63वां इसका ये स्थापना दिवस था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखोगे ये मैंने लगाया हुआ है राजस्व विभाग का, इसका निदेशालय का, इसकी स्थापना 63वां स्थापना दिवस है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, देश नायक दिवस मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। किसने मनाया है? पश्चिम बंगाल। अब देखो, पश्चिम बंगाल की सरकार देशनायक दिवस ये मना रही है, ये किसके लिए मना रही है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। किस पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसको मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को होगी। कब होगी? 23 जनवरी को होगी। और 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाया जाएगा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस दिन पश्चिम बंगाल में पूरे में छुट्टी रहेगी, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसको मनाया जाएगा। फिर मैं रिपीट कर दूं एक बारी, पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस क्वेश्चन का, याद रखना है आंसर। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ममता बनर्जी ने नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पंकज मिथल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है?
मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बारी क्वेश्चन। हाल ही में पंकज मिथल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है अभी, और उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जिनका नाम हमने बताया है पंकज मिथल। क्या नाम है? पंकज मिथल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हैं पंकज मिथल जिनको बनाया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जम्मू कश्मीर के इस टाइम पर जो उपराज्यपाल हैं दोस्तों, उनका नाम है मनोज सिन्हा, और लद्दाख के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एंड श्रीनगर होती है, ये आपको पता ही है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर देखोगे 9 है। हाल ही में 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2021 का नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव स्थापित किया है, ऑप्शन नंबर है इसका डी, नरेंद्र मोदी। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने इसको स्थापित किया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव की स्थापना की है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको। गर्भपात को वैध बना के मतलब आप अबॉर्शन करा सकते हो और ये गैरकानूनी नहीं होगा, और ऐसा करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? अर्जेंटीना बना है। कौन सा बना है? अर्जेंटीना ऐसा करने वाला देश बना है, और यहाँ तक भी कहा गया है कि आप 14 सप्ताह तक गर्भपात करा सकते हो, ये वैलिड होगा, और इसके लिए जो भी इसने सारी सुविधाएं हैं इसके लिए 12 करोड़ रुपए के करीब लागा तो औकात इसमें खर्चा पूरा अर्जेंटीना करने जा रहा है। तो ये देखोगे पूरा एक प्रोटेस्ट है यहाँ पर। प्रोटेस्ट क्या? लोगों की खुशी है, खासकर से महिलाओं की खुशी है इसमें, कि अबॉर्शन कराना कोई कानूनी अपराध नहीं है अगर उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या हो जाती है। तो अर्जेंटीना ने ऐसा किया है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका की एक कंट्री होती है, तो उसके बारे में आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो ये रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन हुआ है दोस्तों ओडिशा के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ओडिशा में हुआ है। अब ओडिशा में हुआ है तो ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। अब इस पार्क का उद्घाटन हुआ है तो देखोगे ये है पार्क, सॉरी ये पार्क यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें मंदिर लग गया है, लेकिन पार्क वाली फोटो मैं यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ में लगा दूंगा, ध्यान रखना ये पार्क नहीं है, पीडीएफ में इसकी फोटो मैं लगा दूंगा, ठीक। तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया गया है दोस्तों अमेरिका की संसद के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका की संसद के द्वारा, जिससे कि पाकिस्तानी महिलाएं जो अमेरिका में रहती हैं उन्हें स्कॉलरशिप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सकें। तो अमेरिका ने इसको पास किया है। तो अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन अमेरिका की राष्ट्रपति हैं, और इस टाइम पर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस हैं। तो इतनी बात अमेरिका से आपको याद रख लेनी है। ये है मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कारण आतंकवादियों ने इनके गोली मारी थी और इनकी जान बच गई थी, गोली इनके सर में लगी थी फिर भी ये बच गई थी, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में इनको एक मोटिवेशन के रूप में देखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है संजय कपूर, ऑप्शन नंबर डी, संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 13वां, और ये है संजय कपूर जिनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखोगे 14वां है। हाल ही में सीसीटीवी निगरानी करने में दुनिया भर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो देखो सीसीटीवी करने में दुनिया भर में शीर्ष पर रहने वाला देश है चेन्नई। कौन?
अपने भारत का तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जो पूरी दुनिया में शीर्ष पर रहा है सीसीटीवी की निगरानी करने में, 130 शहरों का ये सर्वे किया गया था जिसमें चेन्नई टॉप पे रहा था। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति हज़ार जनसंख्या पर अधिक कैमरे या अधिक कवरेज किया जाता है, तो इसलिए चेन्नई इसमें टॉप पर रहा है, तो इस बात को याद रख लेना है। आगे आते हैं, देखो इस तरीके से निगरानी। क्वेश्चन नंबर है 15, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कोरोना वायरस वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम है कोविन। क्या नाम है? कोविन, ऐसे करके हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, कोविन इसका नाम है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आप इस पर, अगर आपको ये वैक्सीन चाहिए तो पहले आपको इस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन संख्या मिलने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम पर यहाँ पर आकर अपने लिए कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हो। तो ऐसे कोरोना वैक्सीन आप लगवा सकते हो, ये पूरा इस तरीके से सरकार ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोविन, ठीक है, ऐप का नाम क्या है, कोविन ऐप है और आप कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हो। आगे आते हैं, आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह। देखो हाल ही में किस राज्य ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कराओ, ठीक है। दोस्तों आपसे लेता हूँ विदा, टाटा बाय बाय, थैंक यू।